ओके तो और मेरे भाई लोग कैसे हो तुम? फिर से बता चुका हूँ आप लोगों के लिए बीजीएमआई की और भी एक कमाल की वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में मैं भाई लोग आप लोगों को फिर से एक बार बताऊंगा कैसे भाई लोग आप लोग जिगल में मास्टर बन सकते हो। भाई साहब मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही ज्यादा भाई ट्रेनिंग ग्राउंड जाते हो एंड जाके भाई जिगल का प्रैक्टिस करते हो, लेकिन जैसे भाई आपके सामने कोई बंदा आता है आपका जिगल भाई बिल्कुल ही टट्टी हो जाता है। सही टाइम पे भाई आप सही जिगल दे नहीं पाते हो, जिसके कारण भाई आप वहाँ पे फाइट हार जाते हो। लेकिन भाई साहब इस वीडियो को पूरा का पूरा देखने के बाद आपका जिगल भाई इतना ज्यादा परफेक्ट होगा मैं भाई लोग आप लोगों को क्या ही बताऊं। सही टाइम पे भाई आप सही जिगल देना सीख जाओगे एंड कौन सा जिगल सबसे ज्यादा बेस्ट होता है वो भी भाई आपको पता चलेगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ भाई जॉयस्टिक साइज पोजीशन वगैरह सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो में भाई, सब कुछ, ठीक है। तो सारे भाई मिलके फटाफट से वीडियो में एक एक लाइक कर दो। तो भाई अब चलो यहाँ पे ज्यादा नंबर बात नहीं करेंगे, फटाफट से भाई इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके तो भाई हमारा सबसे पहला पॉइंट लेआउट मैनेजमेंट। अब भाई एक परफेक्ट जिगल देने के लिए आपको सबसे पहले भाई एक अच्छे लेआउट में खेलना है। अब भाई अगर आप फर्स्ट लेआउट में खेलते हो अब भाई जॉयस्टिक को जहाँ पे मर्जी वहाँ पे प्लेस कर सकते हो। अब ये जो लाइन भाई आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में आपको जॉयस्टिक को भाई कहीं पे भी प्लेस करना है। ये भाई हमारा फर्स्ट लेआउट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में अब भाई कहीं पे भी स्वाइप करोगे, ठीक है, आपका जॉयस्टिक का काम हो जाएगा। अब भाई जहाँ पे मर्जी वहाँ पे उंगली को चला सकते हो, लेकिन भाई आपको एक चीज को ध्यान में रखना है, ये जो लाइन भाई आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, इसकी तरह एकदम स्ट्रेट, ठीक है, लेफ्ट राइट आपको भाई उंगली को स्वाइप करना है। उसके बाद भाई हमारा थर्ड लेआउट, ठीक है, सेकंड लेआउट की बात भाई हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हाँ भाई अब मुझे पता है कि भाई बहुत सारे चाइनीज प्लेयर भाई थर्ड लेआउट में खेलना पसंद करते हैं, लेकिन 80% इंडियन प्लेयर भाई थर्ड लेआउट में खेलना पसंद नहीं करते। क्यों मैं भाई आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि भाई थर्ड पैनिक सिचुएशन में भाई बहुत ही ज्यादा धोखा दे देते हैं। क्योंकि अगर भाई आपको जॉयस्टिक को चलाना है लेफ्ट राइट आगे पीछे अगर भाई आप लोगों को जाना है, ठीक है, तब भाई आप लोगों को ओनली जॉयस्टिक पे ही टच करना है भाई, बाकी दूसरे जगह पे अगर भाई आप टच करोगे जॉयस्टिक घंटा भी काम नहीं करेगा। लेकिन अगर भाई आप एक बार थर्ड लेआउट में खेलना सीख जाते हो तब भाई आपका जिगल भाई बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होने वाला है एंड भाई आपका गेम प्ले भी काफी ज्यादा इंप्रूव होने वाला है। अब नंबर टू जॉयस्टिक साइज, अगर भाई आप जॉयस्टिक का साइज कुछ इस तरीके से बड़ा रखते हो तब भाई आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जिगल भाई परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाएगा। अब भाई आप यहाँ पे देख सकते हो कि सामने वाला बंदा बड़ा जॉयस्टिक पे जिगल दे रहा है, लेकिन भाई इस वाले जिगल का एक लिमिट है, ठीक है, लेफ्ट राइट पे भाई एक लिमिट है। अब यहाँ पे देख सकते हो एक जगह पे खड़ा होकर अगर मैं भाई स्प्रे मारता हूँ फिर भी भाई सामने वाला बंदा बहुत ही ज्यादा इजीली तरीके से भाई फिनिश हो जाएगा। लेकिन अगर भाई आपका जॉयस्टिक का साइज परफेक्ट होता है तब भाई आप वहाँ पे एक परफेक्ट जिगल दे पाओगे सामने वाले बंदे को। आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई एक परफेक्ट जॉयस्टिक पे भाई जिगल दे रहा है और जॉयस्टिक मतलब जिगल का भाई आप यहाँ पे डिस्टेंस देख सकते हो और इस चीज को भाई बोलते हैं लॉन्ग जिगल। अब भाई हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जॉयस्टिक पोजीशन के बारे में, लेकिन एक चीज याद रखना ये सिर्फ भाई थर्ड लेआउट के लिए होने वाला है। अगर भाई आपका फर्स्ट लेआउट है तब भाई आप इस वाले क्लिप को भाई स्किप कर सकते हो। अब जहाँ पे भाई जॉयस्टिक आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ पे भाई आपको जॉयस्टिक को प्लेस करना है, ठीक है। उसके बाद देखो लेफ्ट की तरफ आपको उंगली को स्वाइप करना है। अब भाई आप यहाँ पे देख सकते हो अब यहाँ तक भाई उंगली को ड्रैग करने में मेरे को भाई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा, ठीक है। और उसी तरीके से भाई आपको लेफ्ट की तरफ भी देखना है कि कहाँ तक भाई आपका अंगूठा आ रहा है भाई बिना किसी दिक्कत के। अब भाई मानो कि राइट की तरफ जिगल देने के लिए भाई आपको जॉयस्टिक को इतना दूर तक भाई लेके जाना पड़ रहा है, ठीक है, नीचे भाई आप हैंडकैम देख सकते हो, ठीक है। तो तब आपको क्या करना है जॉयस्टिक को भाई थोड़ा सा राइट की तरफ लेके आ जाना है। इसी तरीके से भाई आप अपना जॉयस्टिक का जो पोजीशन है वो भाई सेट कर सकते हो। अब उसके बाद भाई जॉयस्टिक साइज, ठीक है, अब ये भाई फर्स्ट लेआउट थर्ड लेआउट सेकंड लेआउट सबके लिए होने वाला है, ओके। अब भाई नीचे आप हैंडकैम देख सकते हो मेरा जो अंगूठे का साइज है और भाई जो मेरा जॉयस्टिक का साइज है वो भाई सेम है कि नहीं बताओ। तो इस चीज को ही भाई आपको फॉलो करना है एंड आपको देखना है कि आपका अंगूठे का जो साइज है वो भाई क्या है, ठीक है, एंड उसी हिसाब से भाई आपको जॉयस्टिक को सेट करना है, मतलब जो साइज है उसको भाई सेट करना है। अब भाई नंबर थ्री बेस्ट जिगल, ठीक है। अब भाई इसमें भाई मैं एक ही चीज बताऊंगा कि सबसे ज्यादा बेस्ट जिगल है भाई वन साइड जिगल। वो चीज क्यों है मैं बोलो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। अब सामने वाले बंदे को भाई हमेशा पता रहता है कि भाई आप लेफ्ट राइट जिगल ही दोगे, ठीक है, इसीलिए वो अपने क्रॉस ईयर को भाई एक लिमिटेड एरिया तक ही रखता है। और जब भाई आप वहाँ पे लेफ्ट राइट जिगल दोगे आप भाई लिमिटेड एरिया तक ही रहोगे, ठीक है, जो क्रॉस ईयर है उसका लिमिटेड जो एरिया है उसमें ही रहोगे, ठीक है, और बंदा भाई आपको गोलियों से भून देगा। अब आपको पता है कि भाई बंदे का क्रॉस ईयर लिमिटेड एरिया तक ही रहता है, अगर आप भाई वहाँ पे वन साइड जिगल मार दे तो तब भाई कुछ इस तरीके का सिचुएशन भाई होने वाला है। अब भाई इस वाले बंदे को पता था मैं भाई लेफ्ट राइट जिगल ही दूंगा, इसलिए भाई बंदा अपना जो क्रॉस ईयर है उसको भाई लिमिटेड एरिया तक ही रखता है, लेकिन मैं भाई ये वाला कांड कर दूंगा किसे पता था। तो भाई बस आज की वीडियो में बस इतना ही था, मास्टर जिगल टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगे आप लोगों को वीडियो कमेंट करके भाई जरूर से बता देना। और इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर से कर देना यार, आप लोग करते नहीं हो भाई जरूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भाई ऑल पे करना मत भूलना, ठीक है। तो मैं मिलता हूं भाई किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।